नमस्कार, मैं अनुपमा, आप देख रहे हैं डव्वाली केसरी। आज मैं मौजूद हूँ डव्वाली के हर्षनगर में, वार्ड नंबर 18 में। आज एक ऐसे तबके की आपको समस्या दिखाने जा रहे हैं जो पूरे शहर को साफ करता है परंतु खुद गंदगी के ढेर में रहने को मजबूर है। आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन को बोलना चाहूँगी कि मेरी राइट साइड आप दिखा दीजिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा गंदगी है। आई थिंक मुझे लग रहा है कि जो पूरे शहर की जो गंदगी है और वो यहीं इकट्ठा कर दी जाती है। यहाँ खड़ा होना भी बहुत मुझे मुश्किल नज़र आ रहा है और मेरे से यहाँ खड़ा नहीं हो जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ बहुत बदबू आ रही है। यहाँ पे 2 मिनट खड़ा होना बहुत मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो यहाँ के लोग हैं, जो वार्ड नंबर 18 हर्षनगर के, आपको बता दे कि जो यहाँ के लोग हैं वो यहाँ कैसे रह रहे होंगे। ये बिल्कुल आप बता दें कि ये सिरसा रोड पर है और इसी के सामने MLA अमित सिहाग का भी ऑफिस है। आई थिंक आते जाते उनकी भी कभी इन लोगों पर नज़र नहीं पड़ी है। तो आइए उनसे और जानते हैं इस वार्ड में क्या समस्याएं आ रही हैं, इन लोगों से जानते हैं कि इस गंदगी में वो कैसे रहते हैं। यहाँ कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है? किरणा। यहाँ कितने साल से रह रहे हैं? हो गए 8-9 साल। तो ये यहाँ पे गंदगी बहुत है, कैसे रहते हैं? अब जैसे रहते हैं इधर कूड़ा काड़ा गेर देते हैं, तो रहना तो पड़ा है। फिर पानी भी सीवरों में से आता है, टूटियों में से। जैसे और क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? सीवरों का पानी आता है टूटियों पे, पीने वाले पानी। हाँ, पीने वाले पानी पे। तो कहाँ से पानी? बॉर्डर बक्स। आप यहाँ हम सफाई की समस्या करने आए थे, परंतु आप देख सकते हैं एक और समस्या यहाँ आई है कि यहाँ जो पीने का पानी है उसमें सीवर लाइन का पानी मिक्स होकर आता है। क्या है अंजू? और क्या समस्याएं हैं इस वार्ड? गंदगी में रहते हैं हम तो, बस वाटर बॉक्स में से पानी पीने लगाते हैं, मच्छर बहुत लड़ते हैं। ये गंदगी की समस्या कितने सालों से है? जी कई दिन से आ रही, महीना 3-4 महीने हो गए ना लॉकडाउन से पहले। गंदगी की समस्या जो है, गंदगी से बहुत साल हो गए रहते को। तो किसी को शिकायत नहीं की? नहीं, आ जाते इस तरह कर देते हैं, फिर साफ कर देते, फिर इस तरह गंदगी फैल जाती है। देख सकते हैं कि भारत सरकार द्वारा एक मुहिम चलाई गई थी, एक अभियान चलाया गया था, स्वच्छता अभियान। तो आप देख सकते हैं कि स्वच्छता अभियान की यहाँ कैसे धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। भी देख सकते हैं कि यहाँ के लोगों का जो जीना है वो कितना दुर्भर है। यहाँ लोग कैसे जी रहे हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम? शकीला। कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं? जे 30 साल से। हाँ। यहाँ का जो हाल है 30 सालों से ही है? नहीं जी, ऐसी है जैसे जैसे फिर रहे हैं, नहीं ऐसी है, कुछ ही नहीं। हमारा सुधारा करते, देख वोट ले जाते हैं और चले जाते हैं और कह देते तुम्हारी बधिया पक्की गलियां बनेंगी, तुम्हारा को वो देंगे, पर देते कुछ भी नहीं। वोट लेकर जाते हैं और जद नहीं देते। पानी आ जाता जमक गंदा, जिस तरह तेरे को शीशी में दिखाते तो पीड़ा पानी, जमे सीवर का पानी अब जमा पीड़ा। फिर हम शहर में जाएंगे भी सबको बीमारी लग जाएगी, देख लो। जिन हमारा सुधारा करेंगे तो ना पानी का करेंगे, तो पीड़ा पानी है जमा ही, जिस तरह गंदा जोहर का नहीं। पानी की कैसे पीते हैं, कहाँ से लाते? नहीं पीते, बाडर बक्स में ले आते हैं, मत सिर में से ले आते हैं मत। हाँ, क्या नाम? पीने वाले पानी लेते हैं। कितने सालों से यहाँ रहे हैं? 30 साल से। हाँ, ऐसे ही है सब। हाँ, सारा कुछ गंदा पानी है। इसमें कैसे, जैसे सफाई है, पीना है, कुछ भी नहीं, ना सफाई और गंदा पानी आता जमा। पानी पीने का कैसे, कहाँ से लाते? हम बॉर्डर बक्स में से ले आते भर के। तो जैसे नहाना है, कपड़े वहाँ से लेते हैं सब। हाँ, पूरा दिन पानी ढो रहे। हाँ, बीमार हो जाते हैं भरते। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ के लोगों की जो समस्याएं कितनी है। वोट देते हैं किसी को, पार्षद बनाते हैं, MLA बनाते हैं, जो मूलभूत हमारी जरूरत होती है, जिसमें से पानी महत्वपूर्ण चीज़ है, जिससे के बिना जिंदगी जो है उसका गुजारा करना बहुत मुश्किल है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ के लोगों को बिना पानी के यहाँ रहना पड़ रहा है। राहुल, सफाई पानी भी गंदा आता, बिल्कुल सीवर का घटिया पानी आता है यहाँ, ना सफाई सफाई भी कुछ भी नहीं है, गंदगी है यहाँ सारी पास से। सफाई के लिए कोई नहीं आता नगर परिषद? कोई नहीं आता नगर परिषद से, कोई भी नहीं आता सफाई के लिए भी। यहाँ के लोग पूरे शहर को साफ करते हैं, तो यहाँ की जगह को कौन साफ? यहाँ कोई नहीं कर रहा साफ जी, इस बाकी सारे पास से करते हैं, यहाँ नहीं कर रहा इस मोहल्ले में। हाँ, यहाँ कोई नहीं कर रहा। शिकायत की है पार्षद को कभी? करी है जी। क्या कहते हैं पार्षद? नहीं करते। क्या नाम है? सावित्री देवी। कितने साल से रह रहे हैं यहाँ? कई साल से, हम तो बचपन से रहते हैं। क्या समस्या आ रही है इसमें? इसमें गंदगी आ रही है, जैसे पानी पीने में। हाँ, वोट बना हुआ है। हाँ,
वोट का बना हुआ है, हमेशा वोट डालते हैं, हमेशा के लिए। तो कोई जब नेता वोट मांगने आते होंगे तो हम वोट डालते हैं, नेता वोट मांगने आते हैं डालते हैं। उनको अपनी कभी समस्या नहीं बताई, हमारी ये समस्या हल करो? बताते हैं तो भाई आती नहीं, बताते देते हैं भाई हमारी यो समस्या करो। हम गली में बैठे हैं, तंबू लगा लगा के नहीं हमारे को जगह जमीन कुछ नहीं देते, हम तंबू में बैठे हैं गली में। हाँ कुछ हम। आपका क्या नाम है? गंगा। क्या नाम है? गंगा। यही रहती है? हाँ यही रहती हूँ। तो क्या समस्या आ रही है यहाँ पे? जैसे कुछ साफ सफाई नहीं कर रहे यहाँ, इतनी गंदगी मच रही है, ये कुछ भी नहीं करके जा रहे, इतने वोट डालते कुछ भी ना, कुछ सफाई ना कुछ। जैसे बीमारी हमारे हमारी बीमारी लगते हैं, हम पीते हैं तो कुछ भी नहीं कर रहे नेता लोग भी, वोट ले जाते हैं और कुछ करते नहीं, कराते नहीं। हाँ जी हाँ जी कह जाते हैं, कुछ नहीं। और लोग भी उनसे बातचीत करते? क्या नाम है? महाजना। कितने साल से यहाँ रहती हैं? यहाँ तो बहुत साल हो गए, हमारे परदादे सब यहीं के हैं। शुरू से ही ऐसा हाल है यहाँ का? शुरू हाँ शुरू से तो नहीं, पहले तो साफ पानी आ रहा था, अब हो गए कई साल डेढ़ साल से आने लग गया जब करके, अब बहुत ज्यादा आ रहा है पानी गंदगी में। देखा जा रहा है इस मोहल्ले में गंदगी बहुत है। हाँ। इसके लिए कोई आता है सफाई के लिए? कदे कदे करके जाते हैं, पर डेली नहीं आते, हफ्ते में एक बारी कर गए चाहे दो बारी करके, बस ऐसे करके जाते हैं। क्या काम करते हैं आप लोग? हम यहाँ ये हम तो कचरा कुचरा चुगने वाले हैं। हाँ। तो यहाँ आपने कभी सोचा कि हम सब मिलके यहाँ की सफाई करें? हाँ घने भाई कहते तो हैं, पर एक बार हफ्ते में आते हैं, बार फिर नहीं आते। जैसे आप पूरे शहर को साफ करते हो तो अपने मोहल्ले को क्यों नहीं साफ करते? तो हम तो हमारा रोजी हमारा पेट है, ये तो हम शहर में से चुक के लेते, वो गंदगी नहीं है ये तो बिच जाता है। हाँ ये तो कबाड़ होता है हमारा, तो जो गंदगी नहीं है जो सब उससे अपने गंदगी किंड रहे हैं, सीवर आ रहा है गंदा आ रहा है, ऐसे बच्चे छोटे छोटे देख, अब आप हालत तो देख ही रहे मोहल्ले की कैसी हो रही है। हाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ लोग कैसे रह रहे हैं, गंदगी में रह रहे हैं, ना ही पानी की सुविधा है और ना ही आते। तो यहाँ जो पूरे शहर को लोग साफ करते हैं वो खुद यहाँ गंदगी में रह रहे हैं। आगे लोगों से बात करेंगे और पार्षद से भी बात करेंगे कि आखिरकार इन समस्याओं का हल क्यों नहीं हो रहा है। हम सपना क्या हमारे पानी में भी गंदगी आ रही है, सब चीज में गंदगी है, हमारे बच्चे छोटे छोटे बीमार हो रहे हैं, हम क्या समस्या करें कुछ, हमारे सरकार हमको कोई बताए हमको कुछ दे हमको, हम देख बच्चे हमारे छोटे छोटे कुछ भी नहीं दे रही सरकार हमको, भूखे भी बच्चे मर रहे हैं, कुछ भी चाहे कुछ भी तो दे हमको, गली में पड़े देख लो कितना वो गंद, पानी में भी गंद आ रहा है। अब कोरोना चल रहा है, कोरोना में कोई टीम आई है यहाँ सर्वे करने के लिए या टेस्ट? तो नहीं आई कोरोना, कोरोना की तो कुछ टीम नहीं आई, बस पानी में समस्या आ रही है गंद। कितने महीनों में कभी कोई टीम नहीं आई? नहीं कुछ भी नहीं आई। समस्या ये है ये सीवर का पानी है जो वो गंदा आता है और पीने वाले पानी में सप्लाई नहीं होती, सप्लाई होती है उसकी सारा कुछ गंदगी का पानी पीते हैं, इसलिए हम वाटर वर्क से भर कर लाते हैं पानी। पार्षद से कभी शिकायत की है? हाँ की है, कई बार की है, कोई नहीं सुनवाई होती इसकी, कोई सुनवाई नहीं होती। यहाँ सफाई के लिए कोई प्रबंध नहीं है? सफाई कर्मचारी आता तो है एक, हाँ बस। यहाँ पे हम देखा कि यहाँ पे ही डंपिंग स्टेशन बनाया गया, कभी शिकायत की है पार्षद को या नगर परिषद को? की है ये कई बार की है, कहते हैं ही कर देंगे बस यही करके चले जाते हैं। क्या नाम? बीता। क्या काम करते हैं? हम कागज को गच्छुकते हैं। यहाँ गंदगी बहुत है? गंदगी बहुत है, यहाँ पे सुनाई कोई देता नहीं है, करता नहीं है किसी की सुनाई, ना को गंदा सीवर का पानी आता है, हमने बहुत सुनाई कही है पर हमारे कोई सुनता नहीं है। तो आप पूरे शहर को साफ करती हैं, तो कभी ये सोचा कि मोहल्ला वासी सभी मिलके हम यहाँ की सफाई भी करें? बस यही बारिश बोकर से मार के ऊपर लेपर चके चला जाता है, कोई सफाई नहीं आता, 15-20 दिन में आता है, एक दिन आता है पर कोई आता ही नहीं है। फिर हम बहुत कहते हैं गंदे पानी आता है, कितने हमारे को कई महीने हो गए। गंदा पानी कब से पी रहे हैं आप? हमारे को तो 2-3 महीने हो गए, हमारे तो बाढ़ बस कभी से ले आते हैं, हम तो 5-6 महीने हो गए हमारे को, पर हम घड़ी कहते हैं गंदा पानी आता है, फिर बाढ़ बस कभी से ले आते हैं हम भर के, पर हमारी कोई सुनाई नहीं कर लेता। हाँ ये पानी पीते हैं आप? हाँ इस तरह का गंदा आता है, वाटर वर्क टैंक से भर के लाते हैं पीने के पानी आता है। हाँ ये पानी आता है, पूरे दिन में पानी की बहुत जरूरत पड़ती है, कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, सफाई करने के लिए, तो उसके लिए ये पानी यूज़ किया? यही पानी यूज़ करते हैं। हाँ उसके लिए बीमारियां बहुत लगती हैं, आपने कभी ध्यान दिया कि ये पानी हम यूज़ करेंगे तो बहुत बीमारियां लगेंगी? फिर क्या करें, ये पीने के लिए वहाँ से ले आते हैं, फिर कपड़े धोने के लिए पानी यूज़ करना तो पड़ता है, अब ना करेंगे तो, कहा तो कई बार है पर उसकी सुनवाई नहीं होती। कभी शिकायत करी कि इतना गंदा पानी हम इस्तेमाल करते? कहा तो कई बार ही है हमने पर उसकी सुनाई नहीं होती कोई, वो कहते हैं
वाटर वर्क्स वाले कहते हैं भाई उसका सीवर की पाइप ख़राब है, सीवर वाले कहते हैं भाई टैंकी की पाइप ख़राब है उसकी। अब दोनों तरफ वे इस तरह चेक तक कर रहे हैं, समाधान नहीं है उसका, कोई समाधान नहीं है। चेक भी पाइप पुप करके गए, चेक देख के गए हैं बिल्कुल, फिर भी बार बार गंदा आ जाता पानी। पानी गंदा रहा, कितने महीने से आ रहा है ये देख ले, गर्मी में भी यही हाल था, अब सर्दी शुरू हो जाए जब भी यही हाल है। छः सात महीना हो गए इसी पानी से आप जीवन निर्वाह कर रहे? नहीं, वहाँ से वाटर बक्स में से लेते हैं के लिए, हाँ लेते हैं वगैरह सब काम, कपड़े कपड़े तो इसी पानी से धो लेते हैं हम। नाम में मत, मेरा नाम सिमतरा। पानी गंदा आ रहा है, गंदा पानी आता है यहाँ पर, कोई नहीं आता है यहाँ पर, आवाज़ ही नहीं सुनते हमारे गंदे पानी में, वहाँ से ले आते हम भर के वाटर बक्स में से, बस। सफाई का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है? सफाई का भी कोई नहीं है, अब देखने यहाँ पर गंदा सारा कुछ ही है, कोई नहीं है सफाई का काम, बस। सीवर लाइन डली हुई है? हाँ वो वहीं बो रही सीवर वहाँ पर ही आ गई, उसी का गंदा पानी। हाँ उसकी में मिल के ही आता गंदा पानी, कोई पैप फूट रही है कोई, वहाँ से मिल के आता है सारा गंदा पानी। क्या नाम है? प्रवीण कुमार। क्या समस्या आ रही है इस वार्ड में? ये 6 महीने हुए लगभग, साल ही होगी जैसे, ये गंदा पानी इतना आ रहा है, आप हमारे घरों में जाके देखो कितनी भी सफाई है फिर भी उसमें ना जैसे गंदे कीचड़ वगैरह बहुत आता है, लेकिन सुनवाई नहीं कर रहे, जितने भी प्रधान है हमारे बस्ती के, कोई भी पार्टी के लगा लो तो सब निकम्मे हैं। पार्षद से बोला कभी? हाँ जी, पार्षद से बोला कभी? नहीं, सबसे बोला मैं, आप दरखास्त दे के आए, मेरा नाम प्रवीण है, वहाँ पर पर्ची लिखी है, वहाँ सब कुछ है, तो किसी ने सुनवाई नहीं की। जैसे यहाँ के प्रधान है तो उनसे तो बोलते हम, जैसे हमें नॉलेज नहीं है, उन्हें तो नॉलेज है ना, तो उनको बोलते हैं तो वो नहीं जाते वहाँ पर, उनको जैसे कोई डर है वहाँ पर, तो प्रधान का ही हक है, जैसे अपनी बस्ती का कोई मेम्बर है अच्छा पढ़ा लिखा तो उनका ही हक होता है जाने का। कौन है यहाँ का प्रधान? यहाँ तो 5-6 प्रधान है जी, तो 5ों मेरे को तो बेगुरे लगते हैं, जैसे फालतू फिरते हैं, जैसे गंदा पानी साल हो गया पीते, तो आदमी रहते हैं कोई डंगर तो रहते नहीं, मेरे हिसाब से तो डंगर ही रह रहे हैं जिस हिसाब से गंदा पानी आ रहा है, तो सबसे बड़ी समस्या पानी की होती है। हाँ मेरे घर पे चल के देखो तो इतना गंदा पानी है ना, नल सफाई सबसे ज़्यादा है, फिर भी नल में ऐसे आता है पानी जैसे कोई लैटरिन बाथरूम आता है ना वो पानी आ रहा है, तो हम पानी यहाँ से नहीं पीते, वहाँ से भर के, वहाँ से पैसा लड़के जाते हैं तो भर के लाते हैं ना, तो पानी नहीं होता पीने को। इस वार्ड में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है जी, अब जब देख लो गंदा पानी आ रहा है जी पीने के लिए, कितना ये बच्चे की सफाई, ये गंदगी देखो जी, अब ये सफाई प्रधान जी खड़े हैं सफाई तो करा देते हैं फिर गली में फेंक जाते हैं, बताओ हम बहुत सारे मोहल्ले में कहते हैं सफाई, नहीं नहीं भाई गंदगी आप देखो, मच्छर इतने इतने बड़े हैं जी, मलेरिया हर एक बच्चे को बड़े बड़े डॉक्टरों के दिखाते हैं, सरकारी एक भी डॉक्टर नहीं आता जी, कोई माड़ा मोटा हादसा भी हो जाता तो सरकारी डॉक्टर पता क्या कहते हैं, यहाँ सर से ले जाओ, यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है दवाई देने के लिए, कोई डॉक्टर नहीं है यहाँ पर, कहते हैं सरसा ले जाओ, थोड़ी सी चोट लगती है फिर भी सर से लेके जाओ, और आप मच्छर इतने पैदा हो गए जी, काटते हैं मलेरिया होता है डॉक्टरों के जाते हैं ना, कोई सरकारी डॉक्टर आता है दवाई देने के लिए, बताओ इतनी गंदगी फैल रही है इस मोहल्ले में बहुत ज़्यादा। कोरोना चेकिंग हुई है कोई? कोरोना चेकिंग भी नहीं हुई जी यहाँ की, तो कोई नहीं आया, कोई नहीं आया जी, कोरोना चेकिंग भी नहीं हुई यहाँ पर, ना ना कुछ नहीं हुई, बिल्कुल नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ जी यहाँ पर, अब देखो आज इतनी गंदगी फैल रही है, सरकार कुछ नहीं कर रही। अभी जो ये मोहल्ला है हर्ष नगर, इनके प्रधान है, उनसे बातचीत करते हैं, उनका क्या कहना है? क्या नाम है सर? मेरा जैताराम है जी, प्रधान हूँ जी हर्षनगर का मैं। सर यहाँ बहुत समस्या आ रही है गंदगी की, बहुत समस्या है, पानी है जी, बहुत गंदगी है, बहुत गंदा पानी आता है, आज के 2 साल हो गए गंदा पानी पीते हमारे को। आपने कभी लोगों की आवाज़ उठाई है जी? हमने बहुत जी, हमारा प्रधान जी है इसको कहा, फिर केवी सिंह डॉक्टर हमारे न्यागा मेला साहब उसको कहा, कोई ऐसी कोई सड़ी होती नहीं हमारी जी। हाँ जी, MLA का क्या कहना है? MLA का जो हमारा डबारी का मेला आना जी, उससे भी कहते हैं हमारी मोहल्ले में गंदा पानी आता है जी, कि पैपे बदलवा हमारी जी, और वो उसने कहा है कि जब भी पैपे टाइम आएगा बदलवाएंगे, और ये सड़कें जो प्रधान जी कहते हैं हम बनवा देंगे गलियों की सड़कें। अच्छा अब तो बहुत दिक्कत मारे हम जी, बहुत गंदगी, ना कोई बोकर आड़े आते, ना कोई सफाई आड़े आते, हम तो गंदगी में पड़े हैं बिल्कुल जी, बहुत हमारी मिट्टी मरान जिंदगी खराब हो रही है हमारी, कोई सुनवाई नहीं हो रही है हमारी, कोई सुनवाई ना, ये लाइटें आ रही हैं जी हमारे खंभे, हर एक शहर में सारी खंभे में लाइटें लग गई, लाइट भी नहीं है इस मोहल्ले, लाइट कहाँ, लाइट तो है जो हमारे पल्ले से लगवा रखी है, लाइट तो जाइए ये खंभे की लाइटें नहीं, स्ट्रीट लाइटें नहीं है। हाँ जी भी नहीं है, लारे लगा देते हैं, आज लगाएंगे सबरी लगाएंगे, अजे तक लगाए नहीं है जी। हाँ जी, हाँ जी,
ये थे हमारे साथ हर्षनगर के प्रधान। तो इन्होंने कहा कि मेरी भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है इस मोहल्ले को लेकर। वो गए थे, समस्याएं जो इस मोहल्ले की है उसको लेकर वो पार्षद के पास भी गए हैं, एमएलए के पास भी गए हैं। बता दें कि डवाली के एमएलए हैं अमित सिहाग, तो उनके पास भी गए हैं। तो उनसे कोई अभी इनकी जो सुनवाई नहीं हुई है, ना ही नगर परिषद ने की है, ना ही पार्षद ने की है और ना ही एमएलए ने की है। तो अभी पार्षद से बातचीत करते हैं कि पार्षद का क्या कहना है इन समस्याओं को लेकर। वार्ड नंबर 18 की जो पार्षद हैं वो सुमन हैं, तो उन्हीं के पार्षद प्रतिनिधि हमारे साथ हैं राजेंद्र जोगी। उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि जो वार्ड में समस्याएं आ रही हैं उनका हल क्यों नहीं हो रहा। सर, बहुत वार्ड की समस्याएं हैं, हमने बातचीत की है लोगों से, सफाई नहीं है यहाँ, क्या रीज़न है इन समस्याएं क्यों नहीं हल हो रही? सफाई मैडम पहले तो रहती थी, 10 दिन से सफाई नहीं है। सफाई क्यों नहीं है जी? कमेटी के अंदर जो 50 आदमी कर्मचारी रखे गए थे वो हटा दिए गए। उसके बाद में कमेटी के अंदर यानी कर्मचारी बहुत घट है। वो यही बात बार बार जाता हूँ, एसडीओ को मिलता हूँ और सेंट्री को भी मिलता हूँ और इनको मिलता हूँ, मैं कभी मेरे वार्ड की सफाई करो, वो बंदे नहीं भेजते मैडम जी। ऐसा क्यों? कभी रीज़न पूछा कि आप? हमने देखा कि डंपिंग स्टेशन ही बिल्कुल वार्ड में बनाया हुआ है, तो इसको लेके कभी अपनी आवाज़ उठाई, किसी को बोला? बतरी बारी आवाज़ उठाई जी, सुमन जोहिया जी ने बहुत आवाज़ उठाई है और क्या नाम जी, मीटिंग के अंदर भी आवाज़ उठाती रही है जी। क्या कहना होता है नगर परिषद का, या आप एसडीएम की बात करें, एसडीएम से मिले हैं, क्या कहते हैं? तो डैम्प पॉइंट कहाँ लेके जाएं जी? वो कहता है इस बस्ती का इतना कूड़ा निकलता है, एक ट्रैक्टर डेढ़ ट्रैक्टर निकलता है, तो वो डैम्पिंग पॉइंट कहाँ बनाएं जी? उनका यही जवाब है, तो डैम्पिंग पॉइंट रहेगा तो यहीं रहेगा। तो मतलब हमारे जो जिला प्रशासन है उसका ये कहना है कि यहाँ के लोगों को गंदगी में ही रहना पड़ेगा? नहीं नहीं जी, गंदगी में रहना ही हो गया ना ये? हम तो बहुत जोर लगा रहे हैं जी, पानी की पैंपों के लिए बहुत जोर लगा रहे हैं, जो कि ये गली जितनी भी सड़कें हैं पास कर ली, जो गली नवी बनेगी उससे पहले पानी की पैंपें डल जाएं तो पानी का समाधान हो जाएगा जी। यहाँ के लोग लगभग 7 महीने से गंदा पानी पी रहे हैं, लोगों ने दिखाया बहुत गंदा पानी है, उसके लिए आवाज़ उठाई? मैडम जी मेरे पास ये आवाज़ आई है जी 1 महीने से, 1 महीने के बाद मैंने जाने के घट से घट 8-9 बार पब्लिक हेल्थ में जाया है, पब्लिक हेल्थ में पैंप का कोटा नहीं है। वो कहते हैं कोटा आएगा तो बदलेंगे। उसके बाद कर्मचारी आते हैं यहाँ, जो पानी वाले आते हैं, चेक करके जाते हैं, दूसरे तीसरे दिन जाते हैं जी, तो वो भी यही बात कह रहे हैं जी, ये पैंप होगी जी बहुत पुरानी, पुरानी का मतलब यानी कि 10-12 फुट नीचे गहरी होगी, तो ये पैंप यानी कि पुराने के कारण यानी कि ये पानी गंदा आ रहा है जी। इसके लिए कोई समाधान तो होगा ना, कि आप डेंगू का सीज़न चल रहा है, कोरोना 1 साल से चल रहा है, उधर से लोग इतने गंदा पानी पी रहे हैं, तो इससे बीमारियां कितनी लग सकती हैं? तो इसके लिए कभी आवाज़ उठाई या किसी को बोला कि जल्द से जल्द समाधान होना चाहिए? मैंने तो बहुत आवाज़ उठाई है जी, एक्शन साहब को, एसडीओ साहब को, जेई साहब को, पूरी आवाज़ उठाई है जी। मैंने तो वो तो यही कहते हैं जी पैंप आ जाएगी, सबसे पहले आपका काम करेंगे हर्षनगर का। मैं कहा जी कब आ जाएगी? वही तो जवाब वो देते नहीं है जी, जब भी जाता हूँ जवाब ही नहीं देते, जवाब यही देते हैं जी आपको काम हो जाएगा, काम होता नहीं मेरा जी। सफाई वाला भी है, कमेटी में जाता हूँ, काम मेरा होता नहीं है जी। जो एमएलए होता है राजा की तरह होता है, पूरा जो शहर का या हम ब्लॉक का या डिस्ट्रिक्ट का बात करें तो एमएलए के पास पूरी पावर होती है। तो एमएलए से कभी बात की, उनको कभी समस्या बताई लोगों की? एमएलए से मैंने बात नहीं करी जी। एमएलए से क्यों बात नहीं की? आपके बिल्कुल सामने उनका कार्यालय है। एमएलए से यहाँ का जो प्रधान है जेताराम जी, जो पार्टी से संबंध रखता है, उन्होंने आवाज़ उठाई थी जाके, 2-4 बार आवाज़ उठाई थी, उन्होंने भी कोई भी गौर नहीं की। जेताराम नहीं, कोई समाधान नहीं है। समाधान वैसे जो जो मेरे को बोलते हैं यानी कि दफ्तर में यानी कि करा देंगे, वो भी कहते हैं करा देंगे, होता तो नहीं है ना जी, मेन प्रॉब्लम तो होता नहीं है। अब लाइट की समस्या, अब लाइट एजेंसी लाइट लगनी है, जो 17 वार्ड 18 वार्ड छोड़ के 20 वार्ड में हो रहा काम, ये वार्ड छोड़ दिया। शहर ने इस जो मोहल्ला है इसको बिल्कुल शहर से अलग कर दिया है, देखने में तो यही आ रहा है ना, किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं। मैडम जी दलित समाज साथ अत्याचार हो रहा है जी, मेन चीज़ ये है जी, ये मेरा दलित समाज बैठा ना, यहाँ सुनवाई नहीं है, यहाँ कोई बढ़ के राजी नहीं है जी, ये काम है जी। वोट लेने तो आते हैं? वोट लेने तो यहाँ आते हैं जी, बिस्लेरी लेके आते हैं, पानी भी आपका लेके आते हैं, यहाँ का पानी भी नहीं पीते, और वादे करेंगे वोट ये कर देंगे वो कर देंगे, करता तो कोई नहीं जी, ये तो करके दिखाए। और गरीब आदमी छोटे छोटे जो बच्चे हैं, कल को बीमार हो गए, कुछ भी हो गया, बीमारी फैलेगी कहाँ फैलेगी, शहर में फैलेगी, कौन जिम्मेदार है इसका? कोई आता ही नहीं है यहाँ जी, उस गेट से ही मुड़ जाता है, जो भी आएगा गेट से ही मुड़ जाएगा, इंसान है ये भी, इनकी भी समस्या ही है।
ये थे हम आज आपको दिखाया वार्ड नंबर 18 हर्षनगर की समस्या। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो ये तबका यहाँ रहता है पूरे शहर को साफ करता है, परंतु खुद गंदगी में रहने को मजबूर है। अब मुझे लग रहा है कि जो यहाँ के शहर के जितने भी माननीय जो बड़े लोग हैं, चाहे MLA है, यहाँ के SDM हैं, यहाँ के नगर परिषद के कर्मचारी हैं, शायद इस तबके को उन्होंने शहर से बाहर कर दिया है और उन्होंने शायद ये मान लिया है कि ये हमारे शहर के जो हिस्से में नहीं आते, शहर के बाहर इनको कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि ना ही यहाँ पानी है लोगों के पास पीने के लिए, आप देख सकते हैं कि लोग कितना गंदा पानी पीने को मजबूर है, और सफाई आप देख सकते हैं कि हम खुद यहाँ लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं, यहाँ खड़ा होना बहुत मुश्किल है, परंतु यहाँ के जो लोग हैं वो यहाँ रह रहे हैं, 24 घंटे रहते हैं। और तो यहाँ की समस्या आप देख सकते हैं, ना ही नगर परिषद के जो कर्मचारी हैं वो सफाई के लिए आते हैं, और आप देख सकते हैं कि वार्ड में ही डंपिंग स्टेशन बना दिया गया है। यहाँ के लोगों का जो कूड़ा कचरा है इतना गेर दिया जाता है, ना ही उठाया जाता है। वहीं पार्षद का भी कहना है कि यहाँ के लोगों की कोई सुनवाई नहीं होती। स्ट्रीट लाइट की हम बात करें, यहाँ ना स्ट्रीट लाइट है, ना पीने के पानी की सुविधा है, और ना सफाई। तो आप देख ही सकते हैं कि लगभग 30 सालों से यहाँ लोग रह रहे हैं, परंतु यहाँ कोई सुविधाएं नहीं दी जा रही है। वहीं हम बात करें जो हमारे राजनेता हैं, वार्ड के जो इलेक्शंस होते हैं तो वोट मांगने आ जाते हैं, हमारी जो मूलभूत सुविधाएँ होती है कपड़ा पानी मकान, तो उसमें से पानी जो हमारा मेन है, जिसके बिना जीवन निर्वाह करना बहुत मुश्किल है, तो वही यहाँ लोगों के पास नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि लोग अपना जीवन यापन कैसे कर रहे होंगे। वहीं आपको बता दें कि ये सिरसा रोड पे है वार्ड नंबर 18, बिल्कुल इसी के सामने हमारे MLA साहब हैं अमित सिहाग जी, वो भी बिल्कुल यहाँ सामने रहते हैं, परंतु मुझे लग रहा है आते जाते वक्त इन लोगों पर उनका कभी ध्यान दिया नहीं, या उन्होंने भी ये सोच लिया है कि ये लोग हमसे अलग हैं। तो आगे भी ऐसी समस्याएं देखने के लिए जुड़े रहिए डबल केसरी के साथ। मैं अनुपमा, कैमरामैन गुरसाप सिंह के साथ।